नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आरसीबी टीम को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर भाइयों विराट कोहली के पोजीशन को लेकर आरसीबी टीम ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कहां पर खेलने वाले हैं। क्या वो ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर खेलेंगे, इसको लेकर आरसीबी टीम की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में आगे देने वाला हूं। वहीं भाइयों ये भी बात करेंगे कि आखिरकार आरसीबी टीम के 2 नए ओपनर्स कौन से होने वाले हैं विराट को छोड़ करके। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 की शुरुआत जो है 26 मार्च से होने वाली है। आरसीबी टीम पहला मुकाबला पंजाब के खिलाफ 27 मार्च को खेलेगी। अब आरसीबी टीम की बैटिंग लाइनअप क्या होने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। वहीं भाइयों उनकी बैटिंग लाइनअप को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट ये आ रही है कि विराट कोहली के पोजीशन को लेकर आरसीबी टीम की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार आरसीबी टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि विराट कोहली इस बार आईपीएल 2022 में नंबर 3 पर खेले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है, जहां पर टीम मैनेजमेंट का ये मानना है कि विराट कोहली को वो नंबर 3 पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि नंबर 3 पर खेलकर विराट कोहली जो है एंकर की भूमिका अदा करे, ताकि आरसीबी टीम के लिए वहां पर मिडल ऑर्डर भी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर बाई चांस विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं जैसा कि टीम चाहती है, तो फिर नंबर 3 पर विराट हो जाएंगे, 4 पर मैक्सवेल हो जाएंगे और 5 पर वहां पर दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। तो आरसीबी टीम के लिए वहां पर नंबर 3 से लेकर 5, 6, 7 तक काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी लाइनअप हो जाएगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए आरसीबी टीम आईपीएल 2022 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो आरसीबी टीम यही चाहती है कि विराट कोहली जो है नंबर 3 पर खेले। अब दोस्तों हम सभी के सामने सवाल ये भी है कि अगर बाई चांस विराट नंबर 3 पर खेलेंगे तो आरसीबी टीम के लिए 2 नए ओपनर्स कौन से होने वाले हैं। 2021 में विराट के साथ पड्डिकल ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस साल जो है आरसीबी टीम ने फैब डुप्लेसिस को कप्तान बनाया है, उन्हें अपने स्क्वाड में एज अ ओपनर शामिल किया है। तो पहले ओपनर के तौर पर वो तो फिक्स रहने वाले हैं, दूसरे ओपनर के तौर पर आरसीबी टीम जो है फिन एलन या फिर अनुज रावत को मौका दे सकती है। जब तक मैक्सवेल नहीं रहेंगे शायद से फिन एलन खेलेंगे भी, लेकिन मैक्सवेल के आने के बाद फिन एलन जो है खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस कड़ी में दोस्तों आरसीबी के लिए हमें अनुज रावत और फैब डुप्लेसिस ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये दोनों ही नए ओपनर्स रहेंगे आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2022 में। तो भाइयों नए ओपनर्स के तौर पर आरसीबी टीम को अनुज रावत और फैब डुप्लेसिस पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं टीम मैनेजमेंट के अनुसार जो है विराट कोहली हमें नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। ये थी कुछ ढेर सारी अपडेट्स विराट कोहली के ऊपर और दोस्तों आरसीबी टीम के नए ओपनर्स को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।